खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 जैसे जैसे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच कंपटीशन का लेवल काफी ऊपर हो रहा है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में शो का 20वां एपिसोड ऑन एयर हुआ था, जिसमें प्रतीक सहजपाल को एक बार फिर से शो से जाना पड़ा। वेल आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रतीक का एलिमिनेशन हुआ और उसके बदले किसने शो में वापस एंट्री। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रतीक सहजपाल के साथ ही स्थिति झा का भी एक बार फिर से शो से एलिमिनेशन हुआ है। तो क्या है ये सारी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अगर बात करें अगर रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो की, तो हाल ही में शो का 20वां एपिसोड ऑन एयर हुआ था और आपने एपिसोड में देखा ही होगा कि किस तरह से प्रतीक सहजपाल ने लगातार 3 स्टंट्स को अबॉर्ड कर दिया था। फिर दोस्तों आपको बता दें कि तीनों स्टंट्स के बाद उन्हें एक आखिरी मौका मिला अपने आप को साबित करने का, जिसमें उन्होंने एलिमिनेशन स्टंट को भी अबॉर्ड कर दिया, जिसके बाद उन्हें शो को टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। वेल ये भी बता दें कि रोहित शेट्टी ने एक बार फिर से प्रतीक सहजपाल को डांट भी लगाई। हालांकि उन्होंने कहा भी कि सारी चीज़ें आपके ऊपर ही हैं कि आप शो में खेलना चाहते हैं या नहीं, ठहरना चाहते हैं या नहीं। वेल आपको बता दें कि प्रतीक सहजपाल जब पहले एलिमिनेट हुए थे, तब भी उन्होंने अपने एलिमिनेशन स्टंट को अबॉर्ड कर दिया था और अब एक बार फिर से रोहित शेट्टी के कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई भी स्टंट कम्प्लीट नहीं किया। हालांकि कुछ स्टंट्स तो ऐसे थे जो उन्होंने बीच में से ही ड्रॉप कर दिए। 20वें एपिसोड के स्टंट्स की बात करें तो पहले राउंड में प्रतीक सहजपाल को हाइट बेस्ड स्टंट परफॉर्म करना था, जिसमें स्विमिंग भी शामिल थी। हालांकि प्रतीक अपने डर की रीजन की वजह से टास्क को नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, प्रतीक ने दूसरा स्टंट भी सही तरीके से नहीं किया। फिर एलिमिनेशन टास्क में उन्होंने कनिका मान और रुबीना दिलैक से भिड़ना पड़ा, लेकिन वहां पर उन्होंने बिना स्टंट को ट्राई किए ही अबॉर्ड कर दिया। हालांकि प्रतीक पहले भी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक बार फिर से जब उनको एलिमिनेशन स्टंट में उतारा गया तो उन्होंने बिना स्टंट को ट्राई किए ही रोहित शेट्टी से कह दिया कि उनसे ज्यादा डिजर्विंग रुबीना और कनिका है, इसकी वजह से वो स्टंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। जहां प्रतीक सहजपाल के फैंस के लिए काफी निराशाजनक एपिसोड रहा, तो वहीं फैजू और स्थिति के फैंस के लिए काफी खुशखबरी थी। पर आपको बता दें कि फैजू के फैंस तो काफी खुश होंगे क्योंकि फैजू के शो में एक बार फिर से एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि फैजू राजीव दातिया की प्रॉक्सी करते हुए शो से एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से फैजू ने शो में एंट्री ले ली है। इसके साथ ही स्थिति झा ने भी शो में एंट्री ली। हालांकि रोहित शेट्टी ने उन दोनों में कॉम्पिटिशन कराया और उस टास्क में जो भी जीतता वो शो में ठहर पाता। इसकी वजह से आपको बता दें कि फैजू ने काफी अच्छे से टास्क परफॉर्म किया और उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और यहाँ पर स्थिति झा भी एक बार फिर से शो से आउट हो गई। लेकिन प्रतीक सहजपाल का जिस तरह का रवैया स्टंट्स को लेकर रहा है, उसकी वजह से रोहित शेट्टी भी काफी निराश नजर आए और उन्होंने कहा भी कि स्टंट तो आपको करना ही है, आप किसी ऐसे शो में आके ये नहीं बोल सकते कि मुझे डर लग रहा है। वेल रोहित शेट्टी ने ये भी कहा कि अगर आपका डर अभी खत्म नहीं होगा तो कब होगा। वेल दोस्तों आपको बता दें कि अब शो का ग्रैंड फिनाले ज्यादा दूर नहीं है, इसकी वजह से शो में फिलहाल अभी 8 कंटेस्टेंट्स के बीच कॉम्पिटिशन काफी टफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगले एपिसोड में देखना होगा कि एलिमिनेशन किसका होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।